गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 9, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो फाइट हो रही है। खासकर हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, महाराष्ट्र और केरला वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हो रही है। और वैसे तो ये इशू काफी पुराना है, गवर्नर और सीएम के बीच में इशू बहुत समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। गरुड़ा 7 एक इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियन दलित्स हैं क्या उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाना चाहिए, इसके बारे में काफी टाइम से डिबेट चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्या वो जवाब है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस होने वाला है यहाँ पे, तो इसे आप जीएस पेपर 2 में इंक्लूड कर लीजिए। एज ऑफ कंसेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट कल भी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, आपको कंटेंट मैंने कल पॉक्सो एक्ट का दिया भी था। पॉक्सो एक्ट का कई बार मिसयूज होता है, ठीक है, और ये मिसयूज कैसे होता है, क्यों होता है, पॉक्सो एक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और फिर बात करेंगे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, बेसिकली ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। तो इसके बारे में बात करेंगे कि भैया जो दुनिया भर में जो टेररिज्म की एक्टिविटीज होती हैं उनके और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। एक तो एडिशनल आर्टिकल भी है, तो बहुत नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हमारे पास लिमिटेड से कोशिश करेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से निकाला जाए। तो पहले फ्रंट पेज पे जो टॉपिक है वो है आज का केरला हाईकोर्ट ऑफर्स इंटरिम रिलीफ टू वाइस चांसलर। देखिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे एक अलग आर्टिकल में जो कि एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए केरला, देखिए गवर्नर जो होते हैं ना वो चांसलर होते हैं और वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं, मतलब जो भी किसी स्टेट का गवर्नर होता है तो स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं तो वहां के चांसलर होते हैं। बीइंग अ चांसलर, गवर्नर की एक जॉब होती है, इनका एक काम होता है कि वहां के जो वाइस चांसलर हैं होते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, ये उनको अपॉइंट करते हैं, तो इनके पास अपॉइंट करने की पावर होती है। तो ऐसा ही मामला केरला के अंदर गया हुआ था और उन्होंने वहां के वाइस चांसलर्स को रिजाइन करने के लिए बोला था क्योंकि इनकी पावर के अंदर में आता है, और वो वाइस चांसलर जो है वो कोर्ट में चले गए थे केरला हाई कोर्ट में। केरला हाई कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि अभी मछली उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ले दिया है, तो फिलहाल वो रिजाइन नहीं करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अगले टॉपिक में क्या वो रहने वाला है एक्सप्लेन सेक्शन में। दोस्तों इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के अंदर जो है अब ये गरुड़ा 7 नाम से एयर एक्सरसाइज हो रही है। देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ना ही ये नेवी एक्सरसाइज है, ये एयर एक्सरसाइज है। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार एग्जाम में, तो अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है जब भी एग्जाम में आए। कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे टेबल में, एक तरफ एक्सरसाइज देते हैं दूसरी तरफ वो लिख सकते हैं कौन सी कंट्री के साथ होता है, या फिर कई बार एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं एयर एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, तो डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन इस तरह का ध्यान से पढ़ा करो। गरुड़ा, गरुड़ा का मतलब ऐसे भी गरुड़ा इज अ बर्ड ना, गरुड़ा इज अ बर्ड, तो गरुड़ा हमारे जो हिंदुइज्म में किसी गॉड का व्हीकल भी होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि गरुड़ा जो है वो कौन से गॉड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बताओगे मुझे। तो ये एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग फ्रांस के साथ। देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुए हैं, राइट, हम लोगों ने वहां से राफेल भी लिया है और भी बहुत सारी चीजें हम लोग फ्रांस से लेते हैं। तो एक एक्सरसाइज करने का बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस तो ये होता है कि भाई एक तो दोनों जो फोर्सेस होती है ना उनके बीच में गुडविल बनता है, राइट, एक अच्छी फीलिंग आती है, गुडविल बनता है। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में अगर मान लो कोई अटैक हो जाता है किसी एक कंट्री के ऊपर, और अगर मान लो इंडिया और फ्रांस दोनों अलाइज होते हैं, पार्टनर होते हैं उस लड़ाई में, मान लो चाइना के साथ ही हो गया, चाइना ने फ्रांस और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, मान लो फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर इंडिया और फ्रांस इस तरह की एक्सरसाइज आपस में करेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से, एक दूसरे के जो यहाँ पे जो पर्सनल होते हैं हमारे बीच में बेटर कोऑपरेशन हो सकता है, तो फ्यूचर में हम लोग अपने एनिमी के साथ बेटर तरीके से लड़ सकते हैं। और एक क्या होता है कि जैसे इंडिया और फ्रांस आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आपस में, हम लोग उनसे बहुत सारा सामान खरीदते हैं डिफेंस वाला, तो एक उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है कि क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इस तरह के एक्सरसाइज करने के। तो इस समय जो एक्सरसाइज की जा रही है वो जोधपुर में की जा रही है, और जोधपुर में एयर एक्सरसाइज गरुड़ा 7, इसका मतलब इससे पहले 6 एक्सरसाइज और हो चुकी है गरुड़ा की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एक तो हमारा जो सुखोई 30 है, एक तो वो ऑफ कोर्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इंडिया ने पहली बार यहाँ पे अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
प्रचंड इन दोनों को इंक्लूड किया है और ये दोनों ही इंडिजेनस हैं। ये दोनों ही इंडिजेनस है। प्रचंड के बारे में हम लोग पहले काफी अच्छी खासी लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं। प्रचंड इस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। और LCH के बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं। तो ये दो इंडिया के इंडिजेनस इक्विपमेंट हैं जो हम लोग वहां पे इंक्लूड करने वाले हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें और हैं, इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुकेंगे, हमें और भी एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे ना एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें एयरफोर्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए कई एक एक्सरसाइज आपकी एयरफोर्स की हो सकती है, मिलिट्री की अलग से हो सकती है, नेवी की अलग से हो सकती है, और तीनों कंबाइंड भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे कोप इंडिया जो है USA के साथ है, सिंडेक्स जो है वो सिंगापुर के साथ है, ये तो आसान है याद करना, सिन और सिंगापुर। गरुड़ा जो है वो हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। इंद्रधनुष हम लोग UK के साथ करते हैं, ठीक है। रेड फ्लैग USA, फ्रांस और साउथ कोरिया तीनों के साथ मिलके करते हैं। डेजर्ट ईगल हम लोग UAE के साथ करते हैं, तो ये भी आसान है याद करना, ये डेजर्ट वाला। ईस्टर्न ब्रिज हम लोग ओमान के साथ करते हैं। श्याम भारत हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं। इंद्रा रशिया और अवेंद्रा ये दोनों हम लोग रशिया के साथ करते हैं। ये थोड़ी एक्सरसाइज प्रीलिम्स के प्रसेक्टिव आपको पता होना चाहिए। इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, अपने नोट्स के अंदर भी आप इनको जाके ऐड आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेंटर अल्यूड्स टू फॉरेन ओरिजिन इन इट्स एफिडेविट ऑन दलित क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। ये देखिए पूरा मामला क्या है, आपको वैसे तो हम लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताता चल दूं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला देखो दोस्तों ये है कि जो SC का स्टेटस है इस समय किस में दिया जाता है, हिंदुइज्म में दिया जाता है, सिखिज्म में दिया जाता है और बुद्धिस्ट को दिया जाता है। तो हिंदू सिखिज्म और बुद्धिस्ट के अंदर जो दलित होते हैं उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलता है, लेकिन यही सेम दलित अगर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में होते हैं तो उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाता है, शेड्यूल कास्ट में नहीं रखा जाता है। तो काफी समय से डिमांड आ रही थी कि भैया जो यानी कि जो दलित और मुस्लिम क्रिश्चियंस हैं उनको भी SC का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि SC का स्टेटस किसको दिया जाता है, SC का स्टेटस उसको दिया जाता है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वही तो होता है ना, या जिसके साथ अनटचेबिलिटी होती है उसको ही दिया जाता है। तो भैया क्या ये अनटचेबिलिटी और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बुद्धिस्ट क्रिश्चियन बुद्धिस्ट हिंदू और सिखों में होता है क्या, ये तो उनमें भी होता है जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दलित होते हैं। तो ये था बड़ा सवाल। तो इस समय जो है वो सिर्फ दो ही कम्युनिटी को दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये पुराना आर्टिकल है, मैंने इसमें आप कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा आप इसको जाके पढ़ सकते हो। तो कई सारे एविडेंस हैं और इट्स अ फैक्ट। देखिए इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एज सच अनटचेबिलिटी हो या कास्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। उनके जो बेसिक प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, वो ये कहता है कि सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं, कोई कास्ट सिस्टम इंक्लूड नहीं है, कुछ नहीं होता, अनटचेबिलिटी भी नहीं होती है। बट क्योंकि ये जो इंडिया के क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं वो बहुत समय से हिंदू सोसाइटीज के साथ रह रहे हैं, तो हिंदू सोसाइटी की प्रैक्टिसेस भी जो है उनके अंदर चली गई, और जो लोअर कास्ट हिंदूस थे यानी कि दलित जो हिंदू थे बाद में जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, इस्लाम में कन्वर्ट हुए, वो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस और डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रैक्टिस उनके साथ भी कंटिन्यू होती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इंडियन क्रिश्चियंस और इंडियन मुस्लिम्स के अंदर कास्टिज्म नहीं होता, उनके अंदर भी उतना ही होता है जितना हिंदूज के अंदर होता है। अब ये मान के चले, मान लो कोई गाँव है, उस गांव के अंदर कुछ हिंदू दलित रहते थे, वो बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो उस गांव के जो स्वर्ण हिंदू हैं तो क्या भाई उनको अगले दिन वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे क्या, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देंगे क्या? नहीं। तो वहां पे रहने वाले दलित मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस आज भी उतना ही इम्पैक्टेड है जितना वो पहले थे, राइट। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे क्या फर्क पड़ा, तो फिर तो कन्वर्ट होने का पूरा पर्पज ही खत्म हो गया, तो एक सेपरेट डिबेट है। बट यस, ग्राउंड लेवल पे दोनों को साथ उतना ही डिस्क्रिमिनेशन होता है जितना हिंदूज के अंदर होता है। तो उस बेसिस पे SC स्टेटस को मांगा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, अभी जब सरकार ने वहां पे एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अपना स्टैंड वहां पे पेश किया है। पहली बात तो एक बालाकृष्णन जो एक हमारे जस्टिस थे उनके मतलब वो एक चेयरपर्सन है और एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को 2 साल का समय दिया गया है, वो कमेटी जो है पूरा 2 साल तक स्टडी करेगी कि ये ग्राउंड रियलिटी क्या है और उसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी। तो ये अभी 2022 चल रहा है, तो आप समझ लो 2024 के इलेक्शन के आसपास
वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन को देने वाली है और वो इलेक्शन ईयर भी होने वाला है तो काफी हंगामा होगा उस समय इस चीज को लेके। बट एनीवेज, तो सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट के अंदर सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने ये कहा है कि सर हम लोग दलित क्रिश्चियंस को और दलित मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों फॉरेन ओरिजिन हैं, वो इंडिया की लैंड जैसे जहां से हिंदुइज्म सिखिज्म बुद्धिज्म निकला है यहां से नहीं आए हैं, तो वो बाहर की प्रैक्टिस है, फिर बाद में वो इंडिया में आई है, अभी इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। तो पहला तो उन्होंने ये कहा। दूसरा आर्गुमेंट सरकार ने ये दिया कि जो इंडिया में बुद्धिस्ट हैं, अभी जो नियो बुद्धिस्ट जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 में जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए अंबेडकर जी, तो उनके साथ बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए खासकर महाराष्ट्र के अंदर, तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान है। जो हिंदू दलित बुद्धिस्ट दलित हैं या सिख दलित हैं उनको आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन जो क्रिश्चियन दलित हैं या मुस्लिम दलित हैं उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कन्वर्जन हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चल रहा है, तो उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे ये दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने पे जिन लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया, हिंदू दलित ने बुद्धिज्म को अपनाया, तो उनका ऑब्जेक्टिव सेम, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उनको पता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, तो उनका रीजन क्लियर था कि भैया हम लोग अनटचेबिलिटी के बेसिस पे वहां पे जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनको तो रिजर्वेशन दिया जाना ठीक है शेड्यूल कास्ट के अंदर। लेकिन जो हिंदू दलित हिंदुइज्म इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता क्या है, क्या वो अनटचेबिलिटी की वजह से गए, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गए, क्या वो पैसे के लालच में गए, क्या वो थ्रेट की वजह से गए, ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दे सकते। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो है वो अभी सरकार ने बोली है। हालांकि सरकार के एफिडेविट के अंदर कई जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं पे सरकार कुछ और बोल रही है, अगले बार कुछ और बोलती है। एक बार सरकार ने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है प्रॉपर, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगले ही पेज पे सरकार ने लिखा कि तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। अरे भाई, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है तो डेटा भी होगा, क्योंकि बिना डेटा का तो फैक्ट नहीं हो सकता। तो कई सारी कॉन्ट्राडिक्शन भी है यहाँ पे इस एफिडेविट के अंदर। तो लेट्स सी, सरकार एक दूसरा एफिडेविट यहाँ पे पेश करेगी और उसके अंदर ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो है चीजों को सामने लेके आएगी, तो वो कवर इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ेगा, अभी इस टॉपिक में हम लोग बाद में फ्यूचर में और भी चर्चाएं करने वाले हैं, बट दैट इज द थिंग। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज टू एडोलेसेंट? देखिए, एडोलेसेंट का मतलब होता है 10 साल से 19 साल के बच्चों को एडोलेसेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे 18 प्लस की हम लोग ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 18 प्लस अगर आप हो जाते हो तो आप एडल्ट हो जाते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, ये जो चाइल्ड मैरिज वाला जो हमारा कानून है और हमारा जो पोक्सो एक्ट है, उसमें अगर आप कोई भी 18 साल से प्लस होता है तो एडल्ट होता है, 18 साल से कम होता है तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में माना जाता है। राइट, अब केस क्या है आपको पहले वो बताता चलता हूं। देखिए, केस है ये कर्नाटका से, पोक्सो एक्ट के तहत ये केस था, 2012 का ये केस था। इसमें क्या हुआ था, एक देर वॉज अ बॉय और उसकी जो है गर्लफ्रेंड थी, एंड उसकी एज थी 16 साल की एज थी उस लड़की की, एंड दे हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप। राइट, और वो लड़की के पूरे कंसेंट से हुआ था, बाद में दे इवन गोट मैरिड एज वेल। तो वो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर पोक्सो के तहत, क्योंकि पोक्सो ये कहता है कि अगर किसी की एज 18 साल से कम होती है तो भाई चाहे वो लड़की कंसेंट दे या ना दे, कंसेंट मैटर नहीं करता। अगर अब वो 18 साल से कम है और अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता है तो वो रेप की कैटेगरी में माना जाएगा, वो रेप होगा चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। राइट, इसमें आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये था पूरे का पूरा मामला। अब कर्नाटका हाई कोर्ट में पोक्सो के तहत उस लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाया गया। अब जब रेप का चार्ज लगाया गया तो भैया दो जज के सामने पेश हुए, जज साहब को पूछा, सवाल पूछे जज साहब को, उन्होंने कहा कि देखिए सर, पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि इस तरह का कोई कानून एग्जिस्ट करता है, लड़की 16 साल की थी 17 साल की थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, वी वर इन लव एंड शी गेव हर कंसेंट, आई लव हर, शी लव्स मी, वी गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस केस में ये ऑब्जर्वेशन किया है कि सरकार को ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। 16, 17, 18 साल की गर्ल्स अगर कंसेंट देती हैं तो क्या इसे हम लोग पोक्सो एक्ट के तहत ऑफेंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
ये सवाल जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा है और बेसिकली उस लड़के को अक्विट भी कर दिया है, ठीक है, क्योंकि 16 साल या 17 साल 18 साल अभी एक मतलब 16 ईयर्स प्लस अगर कोई लड़की है वो समझदार है अपने कंसेंट से अगर वो कर रही है तो क्या उसको रेप की कैटेगरी में माना जाए या नहीं माना जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर बहुत लोग डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने देखा था नीलगिरी में, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में कई सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं और उनके अंदर ये प्रैक्टिस ही है कि 14-15 साल की एज में उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है हॉस्पिटल में जाती हैं तो उसकी एज पता चलती है तो लड़कों के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। तो इसके लेके जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो इसका मिसयूज़ भी होता है बहुत बार, ठीक है, और बहुत बार बिना कानून को जाने समझे जो है इस तरह की एक्टिविटी भी हो जाती है। तो मिसयूज़ कैसे होता है, देखिए कहता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ अ माइनर गर्ल और अ बॉय इज कॉजिंग सीवियर डिस्ट्रेस टू ऑल कंसर्न्ड पार्टीज। कई बार क्या होता है जो दो एडोलेसेंट रिलेशन लोग रिलेशन में होते हैं, एक लड़का और लड़की जो है रिलेशन में है, लड़की के जो है वो 16-17 साल है, वो दोनों रिलेशन में होते हैं, तो कई बार क्या करता है लड़की के पेरेंट्स जो उस रिलेशनशिप से अग्री नहीं करते हैं वो लड़के के खिलाफ चार्ज लगा देते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। पहली बात तो ये है। और कई बार क्या होता है लड़के लड़की को पता होता है कि उनके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे तो वो भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है घर वाले मारपीट करेंगे, है ना, घर में बंद कर सकते हैं, अपोजिशन करेंगे, तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और जब वो घर छोड़ के भाग जाते हैं तो पीछे से पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे से पेरेंट्स उस लड़के के खिलाफ रेप का चार्ज लगाते हैं, पोक्सो के तहत रेप और अबडक्शन का चार्ज लगाते हैं और फिर वो चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट भी उसके अंदर लगा देते हैं। तो भैया लड़के के ऊपर कितने सारे चार्ज लगा दिए जाते हैं, तो इनके इन चार्जेस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, 7-8 साल की सजा भी हो सकती है। अब लड़का जो है, अब लड़के के पीछे पुलिस पड़ जाती है, ठीक है, पुलिस लड़के को पकड़ती है तो पता चलता है कि भाई ये तो दोनों अपने कंसेंट के साथ भागे थे, कंसेंट के साथ इन्होंने तो जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है। तो कई बार पेरेंट्स की वजह से भी जो है इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो एक 2019 में एक स्टडी की गई थी, वाई गर्ल्स रन अवे टू मैरी, एडोलेसेंट रियलिटीज एंड द सोशो लीगल रिस्पॉन्स इन इंडिया। इस स्टडी में भी ये रिकमेंड किया गया था जो कंसेंट का एज है वो मैरिजेबल एज से कम होना चाहिए। मैरिजेबल एज कितनी है, 18 साल। कंसेंट की एज भी 18 साल है फिलहाल, तो इन्होंने कहा कंसेंट की एज आप 16 साल कर दीजिए, मैरिज की एज आप 18 साल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 16 साल के बाद बॉय और गर्ल आपस में दे कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द प्रॉपर कंसेंट, 18 साल में दे कैन मैरी। ये उन्होंने रिकमेंडेशन यहाँ पे किया था। उसके अलावा 2021 में मद्रास हाईकोर्ट में भी केस गया था, विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रैप, इन्होंने भी ये कहा था कि जो पोक्सो एक्ट के तहत जो चाइल्ड की डेफिनेशन है दैट शुड बी 16 इंस्टेड ऑफ 18, उसको भी आप 18 से 16 कर दीजिए। देखिए समय बदल गया है, आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बहुत एडवांस होती है, राइट। पहले जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी, फिर बाद में जो है सरकार ने उसको 21 साल से 18 साल कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे रीजन यही था कि जो आने वाली जनरेशन हैं, जो नई जनरेशन है वो एडवांस हो गई है, उनको समझ ज़्यादा आ गई है, वो ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उनको, तो 21 साल की एज को कम करके 18 साल कर दिया गया था। अब इस समय और एडवांस आ गया है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एक्सपोजर हो गया है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई है, एजुकेशन का लेवल भी इम्प्रूव हो गया है, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो अभी क्या हम लोग 18 साल से 16 साल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मोस्टली कंट्रीज में 18 साल ही है, बट जैसे अमेरिका में कई सारे स्टेट्स में 14 साल भी है, कहीं पे 16 साल है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग ये वेरिएशंस होती है। और इंडिया के अगर लोग बात करें कानून के हिसाब से ये 18 है, लेकिन जो लोकल ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें कहीं पे 16 साल है, कहीं पे 17 साल है, किसी किसी कम्युनिटी में के अंदर वो 14-15 साल भी है। तो ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है, लेट्स सी इसके ऊपर सरकार क्या यहाँ पे डिसीजन लेती है। तो क्या किया जा सकता है, पहली बात तो अब ये पूरा मामला गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है, ठीक है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, कोई कमेटी वगैरह बनाती है नहीं बनाती है। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो जो एडोलेसेंट्स हैं, ठीक है, दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब ये समझ जैसे स्कूल्स हैं, ठीक है, या कॉलेजेस होते हैं, तो स्कूल और कॉलेज के अंदर ऐसे प्रॉपर तरीके से कैंपेन लगाए जाएं, अवेयरनेस कैंपेन लगाए जाएं, जिसमें उनको ये बताया जाए कि ये कानून है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे अवेयर नहीं होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, आप वो सब कर सकते हो, आप जैसे यहाँ पे सेलिब्रिटीज वगैरह को इंक्लूड कर सकते हो, रेडियो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं। मोदी जी मन की बात में आए बोले इन सारी चीज़ों को, एक पूरे का पूरा मन की बात का एपिसोड रख सकते हैं 30 मिनट का,
है ना, इन सारी चीजों के ऊपर। तो इस तरह से जो है एक तो अवेयरनेस फैलाएं, बाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ करे, वो सारे के सारे मामले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है एक समझ के पर्सपेक्टिव से। और क्योंकि आप लोग जो एनालिसिस देखते हैं, आप भी मोस्टली लोग एडोलेसेंट ही हैं फिलहाल, आई नो कोई प्लस टू में है, कोई कॉलेज का फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, तो आपके लिए भी एक तरह का ये अवेयरनेस कैंपेन ही समझ लो। ठीक है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए ये करते हैं आज का एडिटोरियल, पर एडिटोरियल से पहले एक टॉपिक ये पढ़ते हैं। पहले एज टेंशंस माउंट, माउंट मतलब राइज होना, माउंटेन जैसे राइज होती है ना, माउंटेन जैसे राइज होती है। एज टेंशंस माउंट सम राजभवंस आर ऑन द वॉर पाथ। राजभवन कौन होते हैं, जहां पे गवर्नर रहते हैं। तो गवर्नर और सीएम के बीच का जो इशू है वो काफी समय से चल रहा है। हम सबको पता है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और जो रियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो सेरिमोनियल हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। लेकिन गवर्नर के हाथ में ऐसा अपनी कोई पावर नहीं होती। हाँ, गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, बट जो पावर है वो सीएम के हाथ में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, और गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही काम करना होता है, और वो मैंडेटरी होता है। तो उस मामले में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, देखिए सेंटर के अंदर जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जिन स्टेट्स के अंदर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहां पे गवर्नर और सीएम के बीच में टसल चलता है। ऐसा बहुत पहले से चलता आ रहा है, अभी पिछले 5-7 सालों में शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट एनीवेज पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, केरला के अंदर क्या चल रहा है, आज हम दो के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए वही जो है डेलिकेट, क्योंकि सीएम और गवर्नर के बीच में बहुत डेलिकेट रिलेशनशिप होता है, बहुत नाजुक सा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, दूसरे जो है इलेक्टेड जो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। तो पहले तो गवर्नर का आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल बताता हूँ, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, ये पूरा रिपीटेड आगे हो जाएगा, डोंट वरी। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती हैं, ये आपको अच्छे से पता है, डिस्क्रिशनरी पावर वो होती हैं जो कि गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होता है। देखिए जब अंग्रेजों का जमाना था ना, ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल टाइम में, गवर्नर वॉज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द प्रोविंस। गवर्नर जो है वो एब्सोल्यूट गवर्नर पावर होती थी उनके पास, और वो सिर्फ किंग या जो क्वीन होती थी उसको ही आंसरेबल होते थे। ठीक है, सीएम वगैरह को ज्यादा पावर नहीं होती थी उस समय में। तो जब बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी, उसके अंदर ही बहुत डिबेट हुआ, भैया क्या गवर्नर के पास कैसी पावर होना चाहिए, क्या उसके पास रियल पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ। तो फिर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, अम्बेडकर जी ने कहा कि गवर्नर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओनली, एंड दे शुड नॉट, गवर्नर शुड नॉट हैव द रियल पावर, रियल पावर शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए सीएम और गवर्नर दोनों के बीच में अगर इक्वल पावर हो जाएगी तो भैया काम कैसे चलेगा, भैया सीएम को तो जनता चूज करती है, गवर्नर को थोड़ी ना जनता चूज कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर पीपल के हाथ में है, तो जो पीपल चुनते हैं सीएम को उसके पास रियल पावर होनी चाहिए रादर देन द गवर्नर, ऐसा अम्बेडकर जी ने कहा। हालांकि गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, आर्टिकल 163 भी कहता है, ठीक है, बट मेजर पावर जो है वो सीएम के हाथ में है। तो लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है कि भैया कितनी पावर है, कैसी पावर है, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी वेगनेस है। जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बहुत क्लियर कट फंक्शन नहीं थे गवर्नर के और सीएम के, तो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा बीच में होता रहता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में शमशेर सिंह केस हुआ उसमें, और फिर शमशेर सिंह से फिर जो है नाबम केस हुआ 2016 में, इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया गवर्नर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड और एडवाइस के ऊपर ही काम करना पड़ता है, और वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मैंडेटरी ओवर द गवर्नर। तो ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब महाराष्ट्र में क्या चला, केरला में क्या चला, थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में ये चल रहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर है बड़ी इंटरेस्टिंगली स्पीकर के इलेक्शन से मना कर दिया, स्पीकर के इलेक्शन से मना कर दिया। बात क्या हुई देखो बताता हूं आपको। स्पीकर का इलेक्शन होता है, और स्पीकर का इलेक्शन जो एक हाउस का फंक्शन होता है, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका फंक्शन होता है। तो होता क्या है कि जो हाउस होता है वो एक नाम को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, वो नाम फिर जो है वो हाउस के सेक्रेटरी के पास जाता है, और वो सेक्रेटरी से फिर वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, और उस आदमी को स्पीकर चुन लिया जाता है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, और इसमें कभी कोई दिक्कत आई नहीं।
पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया के इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमारी, कि किसी गवर्नर ने उसके ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर को ऐसी कोई पावर भी नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे, सिर्फ इनकी पावर आई कहां से? ये पावर आई है हाउस रूल से। हर स्टेट के अंदर जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो हाउस होते हैं, वो अपने अपने रूल बनाते हैं। महाराष्ट्र के रूल के हिसाब से गवर्नर को सिग्नेचर करने चाहिए कह रहा हूं मैं, तो अब गवर्नर ने सिग्नेचर किए नहीं, इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर आज कोई स्पीकर भी नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि वो हाउस रूल, या तो हाउस रूल चेंज हो, हाउस रूल चेंज किए जा सकते हैं, बट ये प्रोसीजर भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है भाई इंडिया के इतिहास में। तो किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या हम लोग नए रूल्स को फॉलो करें ना करें, वो समझ नहीं आ रहा किसी को। तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखने वाली बात है। दूसरा मामला चल रहा है केरला से। केरला में क्या हुआ आपको अच्छे से पता है, केरला में भी भैया जो आरिफ मोहम्मद जी हैं वहाँ के गवर्नर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। उनका क्या, उन्होंने क्या किया केरला में, वाइस चांसलर, जितने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनको लेटर लिखा, मतलब शो कॉज नोटिस दिया, और उनको ये कहा कि आप हमें ये बताइए कि आपको अपनी पोस्ट से रिमूव क्यों ना करें। आप सोच रहे हो सवाल उन्होंने ये क्यों पूछा है, आरिफ मोहम्मद जी ने आरोप लगाया है कि जो वाइस चांसलर हैं इनको अपॉइंटमेंट करने में जो है, जो प्रोसीजर है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, और वो इलीगल फ्रॉड तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, वो तो गवर्नर ही करते हैं, क्योंकि गवर्नर तो चांसलर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चांसलर। आप सोच रहे होंगे सर इन्होंने खुद इनको अपॉइंट किया और ये खुद ही इनको फ्रॉड बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो जब यही सवाल गवर्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे मुझसे जो सिग्नेचर करवाए गए थे ना भैया, वो फोर्सफुली करवाए गए थे, ठीक है, और अभी मुझे पता चला है कि वो फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वहां के जो सीएम वगैरह हैं, सीएम के जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनके चाचा भतीजा को ही वहां के वाइस चांसलर बना दिया गया है। तो ये पूरा मामला वहां पे चल रहा है। तो उन्होंने उनसे रिजाइन मांगा, रिजाइन उन्होंने किया नहीं, वो चले गए भैया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने उसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया है। अब बात ये है, अब इससे हो गए आरिफ मोहम्मद जी नाराज हो गए। आरिफ मोहम्मद जी ने कहा कि आई विल नॉट एक्ट लाइक अ चांसलर नाउ, कि भैया मुझे चांसलर की कुर्सी पर रहना ही नहीं है। चांसलर का जॉब होता है कि वो वाइस चांसलर को रिमूव कर सकता है, आप मुझे रिमूव करने नहीं दे रहे हो तो मैं तो चांसलर भी नहीं रहूंगा। लेकिन भैया आपके हाथ में थोड़ी है, आप अगर गवर्नर हो तो कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर एक्स ऑफिशियो चांसलर इटसेल्फ, आप मना थोड़ी ना कर सकते हो। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हो या मतलब, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर जैसे मान लो, अगर आप गवर्नर, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, तो भैया आप तो राज्यसभा के चेयरपर्सन हो एक्स ऑफिशियो, ये मना थोड़ी कर सकते हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कि नहीं नहीं मैं तो चेयरपर्सन नहीं बनूंगा। अगर आप उस पोजीशन पे होता होगा बनना ही पड़ेगा, या फिर अपनी पोजीशन छोड़ दीजिए। तो गवर्नर को यही कहा गया है कि आपको चांसलर बनना मैंडेटरी है, या तो आप रिजाइन कर दीजिए अपनी पोस्ट से, अगर नहीं कर रहे हो तो चांसलर बने रहिए। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। लेकिन गवर्नर को इस तरह की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, गवर्नर को डिटैच रहना चाहिए, गवर्नर को जो है पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। आपसे न्यूट्रैलिटी एक्सेप्ट की एक्सपेक्ट की जाती है, आप न्यूट्रल रहोगे और आप एक फ्रेंड हो, फिलोसोफर हो, गाइड हो गवर्नमेंट के, आप गवर्नमेंट के दुश्मन नहीं हो, ठीक है। तो आपका काम है गवर्नमेंट को बेटर करना, राधा जन की गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ाना। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। और देखिए ज्यादा पॉलिटिक्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से कुछ पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो दैट्स बेटर। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, नो कंसेंसस इज डिरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। डिरेलिंग का मतलब होता है कि वो चीज स्लो हो जाती है, पटरी से उतर जाती है, जैसे ट्रेन डिरेल हो जाती है। ये रेल मतलब वही है, रेल डिरेल, ट्रेन की पटरी से, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, डिरेल बोलते हैं उसको। तो कोई भी प्रोसीजर है वो डिरेल हो सकता है। तो अभी कुछ मीटिंग होने वाली है, कुछ हो चुकी हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी काउंटर टेरर कमेटी अभी दिल्ली में और मुंबई में हुई थी। उसके अलावा जो है नो मनी फॉर टेरर, ये एक मीटिंग अभी होने वाली है इसी महीने में, दिसंबर में, नवंबर में, दिसंबर में जो है इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है, क्योंकि इंडिया 2 साल के लिए बना था, तो अभी जो है वो लास्ट टाइम यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनने वाला है। अब इतनी सारी मीटिंग होती रहती है दुनिया भर में, मीटिंग रोज, नई नई मीटिंग होती है,
कभी क्लाइमेट चेंज को लेके, कभी टेररिज्म को लेके, कभी टेरर फाइनेंसिंग को लेके, कभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके होती रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, राइट? तो इतनी सारी मीटिंग होने के बाद अभी रैट्स की मीटिंग भी हुई थी, है ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली, SCO की, वो भी हुई थी। फिर भी जो है चैलेंज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है भैया, के टेररिज्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस? देखिए, जब 9/11 का अटैक हुआ था USA के ऊपर, तो USA ने कहा था कि हम लोग ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म करेंगे, तो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर और इराक के ऊपर अटैक किया था। आपको पता है, उन्होंने कहा था कि हम लोग टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 20 साल की लड़ाई की करने के बाद अभी पिछले साल तालिबान के साथ उन्होंने नेगोशिएशन किया और अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गए। इसी के साथ साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर भी खत्म हो गया। लेकिन क्या टेरर खत्म हुआ? टेरर तो खत्म नहीं हुआ, अमेरिका का वॉर खत्म हो गया है। पहली बात तो यह कि जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चलाया गया था, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे लगाए गए थे, क्योंकि अनइक्वल कैंपेन था। कैसे भैया? एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज द अलाई ऑफ द USA। जब अफगानिस्तान इराक के अंदर कुछ करना रहता है, वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट वगैरह का यूज करता है। एक तरफ तो आप उसको अपना दोस्त बना रहे हो, दूसरी तरफ मसूद अजहर, हाफिज सईद और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन लेके बैठे हुए हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। देखिए, 1999 में हमारा एक जहाज जो है वो हाईजैक हुआ था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस जहाज को हाईजैक किया गया था और बदले में कुछ टेररिस्ट को यहां से छुड़वाया गया था। वही टेररिस्ट ने बाद में 9/11 का अटैक करवाया, उन्होंने ही बाद में 26/11 का अटैक करवाया, और भी उन्हीं ने ही बाद में जो है कितने सारे अटैक करवाए, समझ रहे हो आप? तो ये तो दोगलापन हो गया ना। आप इंडिया के टेररिज्म को तो बोल रहे हो कि भैया वो तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और जब आपके यहाँ पे अटैक होता है तो आप कहते हो कि हम तो दुनिया से टेररिज्म को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो नीयत है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वही प्रॉपर नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया को क्या मिला अब तक? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम के अलावा इंडिया को कुछ मिला नहीं है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अब तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गया है, अभी भी पाकिस्तान के अंदर कितने सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। किसी को 2 महीने की सजा हुई है, किसी को 4 महीने की हुई है, वो बेल पे बाहर आ जाते हैं। एक तो बड़ी बात वो है, दूसरी बात, जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का भी, तो आप सबको पता है कि वहां पे कितना ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। वीमेन को बिल्कुल भी कोई भी आजादी वहां पे नहीं है। तो आप ग्लोबल रिएक्शन देखिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा, UK कुछ नहीं बोल रहा, कोरिया कुछ नहीं बोल रहा, जापान कुछ नहीं बोल रहा, रशिया चाइना के तो छोड़ ही दो, राइट? कुछ नहीं बोल रहा है कोई, तो काहे का ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म? तो ये सब चैलेंज ही तो हैं, और रियलिटी तो ये है कि आने वाले समय में ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट में जो कॉपरेशन है वो और भी ज्यादा वीक होने वाला है। सिर्फ इतने ही चैलेंज नहीं है दोस्तों, ये तो चैलेंज हो गए डिप्लोमेटिक वाले चैलेंज या जियोपॉलिटिक्स वाले चैलेंज। अब ये है रियल चैलेंज, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान कहाँ शिफ्ट हो गया? रशिया यूक्रेन के ऊपर। टेररिज्म के ऊपर उतना फोकस अभी नहीं रहा है, बड़ी बात तो ये है। और टेररिज्म बोलते किसको हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? यही नहीं पता है भाई आपको तो। अमेरिका के हिसाब से डेफिनेशन अलग है, रशिया के हिसाब से डेफिनेशन अलग है, चाइना के हिसाब से अलग है, इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से अलग है। तो जब तक एक कॉमन डेफिनेशन ही नहीं होगी, तो आप उस दुश्मन के खिलाफ लड़ोगे कैसे? जैसे ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने रशिया के कुछ पोर्ट्स के ऊपर ड्रोन अटैक किए, और वो ड्रोन अटैक जो है आपको पता है नाटो की हेल्प से ही होते हैं, और वो ऐसी पोर्ट थी जहां से ग्रेन एक्सपोर्ट होता है, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होता है। उसको तो अमेरिका जो है टेरर अटैक मान रहा है, उसको तो रशिया जो है टेरर अटैक मान रहा है कि मेरे ऊपर ड्रोन अटैक हो गए तो टेरर अटैक है। लेकिन जब रशिया खुद ऐसे ही ड्रोन अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, जिसमें हजारों लोग मारे गए, उनको वो टेरर अटैक नहीं बोलता है। तो मतलब अपना खून खून, दूसरे का खून पानी, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो एक तो बड़ी बात ये हो गई। दूसरी बात भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने सारे ऐसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है टेररिस्ट, तो कभी उसमें चाइना का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिज्म,
मतलब आपके लिए वो टेररिस्ट हो सकता है, मेरे लिए वो फ्रीडम फाइटर है। ये जो डिबेट है वो बहुत समय से चलती आ रही है, ये आज से नहीं। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे लिए फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय में इनको टेररिस्ट माना करती थी। यही चल रहा है, तालिबान किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है और तालिबान किसी के लिए टेररिस्ट ग्रुप है, यही हर जगह दुनिया में चल रहा है। तो जब तक कॉमन डेफिनेशन नहीं होगी तो चीजें आगे काम नहीं कर सकती। उसके अलावा भैया टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव हो ही रही है दुनिया भर में, तो ये टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में आ रही है, वेपनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। आजकल तो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, 5-10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ड्रोन से अटैक होंगे। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान से कितने सारे ड्रोन इंडिया में आते हैं, पंजाब राजस्थान में अटैक किए जाते हैं, राइट, फंड्स के लिए, ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। बायो वॉरफेयर, आने वाले समय में टेररिस्ट लोगों के पास अगर ये टेक्नोलॉजी भी आ गई तो वो लोग वायरस का म्यूटेंट कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं किसी को अटैक करने के लिए। COVID-19 के टाइम से तो ये सवाल और भी ज्यादा ऊपर ऊपर उठ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने ही खुद COVID-19 को बनाया था वायरस को, और दुनिया को खत्म करने के लिए, अपनी जो हेजमनी को इम्प्रूव करने के लिए। वो बात अलग है कि चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, आज भी चाइना की 2-3 सिटी पूरी तरह से लॉकडाउन में है। बट एनीवेज, तो फ्यूचर में ये और भी ज्यादा चैलेंजेस होने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, रोबोटिक सोल्जर्स, आपको रियल सोल्जर भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप रोबोट्स को भेजिए वो काम खुद ही कर देंगे। इससे अनोनिमिटी बढ़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा देश किसके ऊपर अटैक कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन के थ्रू भैया टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, आप बता ही नहीं सकते कहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा रहा है, सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है टेरर कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और डार्क वेब का यूज किया जा रहा है, गेमिंग सेंटर्स का यूज किया जा रहा है। तो टेररिस्ट लोगों के हाथ में भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोगों ने आईसीस के केस में देखा ही था किस तरह से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, फंडिंग की जाती है। तो आने वाले समय में ये लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक को स्पॉन्सर करती है, उनकी सरकार खुद स्पॉन्सर करती है, पाकिस्तान की सरकार ISI खुद स्पॉन्सर करते हैं इंडिया के ऊपर अटैक करवाने को लेके। तो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करवाया जाता है, ड्रोन अटैक करवाया जाता है, साइबर वॉरफेयर करवाया जाता है, ठीक है। नाटो खुद, नाटो ने यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया वगैरह में कितने ड्रोन अटैक करवाए हैं जिनसे लाखों हजारों लोगों की डेथ हो गई है, सिविलियंस की डेथ हो गई है। इवन इस आर्टिकल के अंदर तो इंडिया का भी एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने उसको जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट इन्होंने कहा है कि इंडिया ने भी तो पाकिस्तान, जब हम लोगों ने जो है पुलवामा का जब अटैक हुआ, हमने भी तो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर जो है अटैक किया था, तो उसको भी जो है इन्होंने कहा है कि वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी जैसा ही हो गया, क्योंकि एक जो लाइन है प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सेप्टेड लाइन है आप उसको क्रॉस करके जा रहे हो। बट मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, आप भी मत करना। बट एनीवेज, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट है, बहुत सारे हैकर्स को, चाइनीज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हैकर्स हैं जिसकी वजह से कई सारे की ग्रिड वगैरह को फेल कर दिया जाता है, तो ये भी तो टेरर अटैक ही हो गया। इसराइल जो है भाई वो गाजा के ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट करता है, जो पैलेस्टाइन के अंदर करता है, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज ही है एक तरह से। तो बात यह है कि आपकी नजर में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी बट दूसरे की नजर में है, तो कोऑपरेशन कैसे होगा भाई? पहली बात तो एक डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए टेररिज्म की, जो अभी तक नहीं है। इंटरनेशनली कोई भी डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं है। अगर अमेरिका की माने तो पूरी रशियन आर्मी टेरर आर्मी है, अगर रशिया की माने तो पूरी अमेरिकन आर्मी ही टेरर टेरर आर्मी है, ये चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा भाई फ्यूचर में? और टेरर तो चलेगा ही चलेगा, ग्लोबल इनइक्वालिटी, फूड इनइक्वालिटी, हंगर, एनर्जी शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, ये आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दुनिया में वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी, टेरर स्पॉन्सर्स जो है वो और अनोनिमस हो जाएंगे दुनिया में, आपको पता ही नहीं चलेगा भैया कौन टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कहाँ से अटैक हो रहा है कोई पता ही नहीं है। आने वाले समय टेररिस्ट अटैक जो है और लीथल होंगे, और ज्यादा डेंजरस होंगे, घातक होंगे। तो ये तो है भाई दुनिया की रियलिटी। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही है, सारे देशों को बैठना चाहिए, मिलके टेररिज्म की डेफिनेशन फिक्स करें, प्रॉपर कोऑपरेशन करें, अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करें। बड़ी बड़ी बातें ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो अपने दूसरे के साथ आए, मिलके बैठ के बात करें। तो ये कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं, बाकी चैलेंजेस एग्जांपल्स काफी अच्छे से दिए हुए हैं इस आर्टिकल में। सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, आर्टिकल का लिखने वाली हैं सुहाशिनी हैदर जी हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे बहुत आर्टिकल लिखती हैं, इनका न्यूज़ भी आता है, और सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेसिकली सुपुत्री हैं ये, और बहुत ही जानी मानी जर्नलिस्ट हैं।
तो ये है पूरे का पूरा आज का एडिटोरियल का सेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसके लिए कोई क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो। सिंपली क्वेश्चन लिख सकते हो दैट डिस्कस द कन्वेंशनल एंड न्यू चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो पुराने जो चैलेंज थे नॉर्मल जो रहते थे, अब जो नए वाले हैं जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वगैरह, आप उसको यहां पे मेंशन कर सकते हो और बस सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। ठीक है, सजेस्ट सम सॉल्यूशन, तो 150 वर्ड में आप आराम से इसको बैठ के लिख सकते हो, अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल और अच्छा लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो यार। कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस दे सकते हो। ठीक है, बता सकते हो कि आपने किया है, हमें भी पता चलता रहता है कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पे डेली आके सुनते हैं। एक दो एडिशनल आर्टिकल भी यार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ये वाला छोड़ सकते हो, काफी इकोनॉमी घुस गया इसमें फालतू का, कुछ नहीं पूछेगा आपसे ये सब। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।